से वो चार फाटक से भी पप्पूया अच्छा भाई को बोल देना के नेतागण, मैं आप सभी का आपसे निवेदन करता हूं, यहां पर हमारे बैठे हुए कार्यकर्ता बंधु, हमारे प्रत्याशी का और हमारे करके माननीय दीपक सक्सेना जी के लिए हमको डोर टू डोर जाकर के प्रचार करना है और जनता जो आहत है, खुद परेशान है, उस जनता की परेशानी को दूर करने के लिए हमें आगे आना है और जनता के अपना वनवास खत्म करके विजय होकर के उनका राज तिलक हुआ था उसी तरह से हम सबको प्रतिज्ञा लेनी है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप गुमराह नहीं हो। चंद्रबान ने ना कुछ काम किया था ना कोई काम करने की क्षमता है। चोरी करो और माल कमाओ और कमलनाथ जी और दीपक को चोर बोलो, इसके अलावा उसको कुछ आता नहीं। काम कराने जाओ तो कहता है चंदा हो तो बोले दीपक के पास जाओ और नौकरी चाहिए तो बोले कमलनाथ जी के पास जाओ कहता है। उसको बात करने का ढंग नहीं। कल मैं टीवी पर देख रहा था, कमलनाथ कर रहा था, उसको पिताजी के बराबर है कमलनाथ जी की इज्जत, तो ना कमलनाथ जी तो बोल सकता है, तो ऐसा तो वो नालायक है। उसको बोलने की तमीज़ है ना काम करने की तमीज़ है। आज सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, छिंदवाड़ा शहर को माननीय कमलनाथ जी ने 600 करोड़ रुपए दिलवाया। 200 करोड़ सबसे पहले माचागुरा से पाइपलाइन का और ट्रीटमेंट प्लांट अपना जो फिल्टर प्लांट का जिसमें पानी सप्लाई होना है, 200 करोड़ रुपए दिलवाए सीवेज लाइन का, 125 करोड़ दिलवाए कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा शहर की सीमेंट की रोड, शहर की बात कर रहा हूँ गाँव की नहीं, शहर की रोड और नालियों के लिए, और 68 करोड़ रुपये कमलनाथ जी ने गंदी बस्ती उन्मूलन के लिए पैसा दिलवाया हुआ है जिसमें हरिजन आदिवासियों के हमारे जो वार्ड हैं उन वार्डों में काम होना चाहिए। 600 करोड़ रुपए की राशि आई है, 50 साल में कभी इतने पैसा नहीं आया था ये कमलनाथ जी ने दिलवाया। 20% चौधरी चंद्रमान, धर्मेंद्र मिगलानी और यूएस सदरंग पूरा कमीशन खा रहे हैं, और इसके बाद इनके आदमी पूरा भ्रष्टाचार करके उसमें सीमेंट चोरी कर रहे हैं, लोहा चोरी कर रहे हैं, जो मुरम होना चाहिए और गिट्टी होनी चाहिए वो गिट्टी नहीं डाल रहे हैं। इनका एक ही काम है भारतीय जनता पार्टी वालों का, गिट्टी फाड़ी रेत सट्टा जुआ शराब, गिट्टी फाड़ी रेत सट्टा जुआ शराब, चोरी करवाओ आधे हिस्सेदारी डालो, हर जगह कनान की रेत हो, पेच की रेत हो, कुलवेरा की रेत हो, हर जगह इनकी हिस्सेदारी।